वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत. स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर फ्रॉम द स्टार्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ द सिंपल इकोसिस्टम आफ्टर टेलिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग राइटर सेड अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मीन्स कि वहाँ का जो इकोसिस्टम यू नो एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एन एरिया एंड देयर रिलेशन टू द एनवायरमेंट, मतलब एक एरिया में रहने वाले एनिमल्स और उनका प्लांट और उनका रिलेशन उस एनवायरमेंट में कैसा है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता जो पाई जाती है. अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मीन अंटार्कटिका में सिंपल इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी की कमी है. इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिप्रिकॉशंस. और इसलिए ये जगह बिल्कुल सूटेबल प्लेस है इस बात की स्टडी करने के लिए कि पर्यावरण के अंदर जो छोटे चेंजेस होते हैं, जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, उनके बड़े क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारे सामने आते हैं. रिपरकशन मीन्स रिजल्ट्स. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट न्यूरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन. राइटर सेड that take the microscopic phytoplankton. Phytoplankton is a kind of grass. Those grasses of the sea that nourish, जो nourish करती हैं किसको, nourish means feed करना, and sustain the entire southern ocean food chain, मतलब southern ocean के अंदर required सारी food chain को complete करती है ये phytoplankton grass. These single celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesizes organic compounds in that wondrous and most important of these single celled plants use the sun's energy. Means ye single cell plant hai phytoplankton, ye सन की एनर्जी को यूज़ करता है. एसिमिलेट मीन्स मार्क ईयर टू एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन इनटू होल, पूरा संश्लेषण करना. सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस मीन्स वंडरफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ, स्टूडेंट मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ द स्पेस, ecosystem, biodiversity and repercussion, nourish single celled, one cell assimilate to absorb, synthesize to combine into whole. Now wondrous, wonderful, come to the next part. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पर जो एक्शन होता है सनलाइट का, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. साइंटिस्ट वॉर्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंकटन. और साइंटिस्ट इस बात के लिए चेतावनी दे चुके हैं कि अगर आगे और ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेशन होता है, मींस उसको अगर वो और ज़्यादा ख़राब होती है, उसमें किसी तरीके का रिडक्शन होता है, तो ये सीधा इफेक्ट किस पर करेगा, फाइटोप्लैंकटन पर, विच इन टर्न विल इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मेरेन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन. और इसका इफेक्ट किस पर बाद में पड़ेगा, फाइटोप्लैंकटन पे इफेक्ट जो है ये बाद में सारे जो समुद्री जीव हैं, एनिमल्स और बर्ड्स, उस रीजन के सभी को इफेक्टेड
होंगे वो बाद में इससे, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल और वर्ल्ड का ग्लोब का कार्बन साइकिल भी इससे इफेक्टेड होगा. इन द पेरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंकटन देयर इज अ ग्रेट पैरामीटर सॉरी मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस. टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. हियर राइटर सेड इन द पैराबल, पैराबल मीन्स स्टोरी दैट टीचेस मॉरल लेसन, ऐसी कहानियाँ जो हमें नैतिक शिक्षा देती है. तो इन द पैराबल ऑफ फाइटोप्लैंकटन, इस फाइटोप्लैंकटन की कहानी से हम ये सीख सकते हैं देयर इज अ ग्रेट मेटाफर ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस, है ना. मेटाफर मीन्स फिगर ऑफ स्पीच, हमारे जीने की एग्जिस्टेंस की बहुत बड़ी फिगर ऑफ स्पीच इस कहानी के अंदर है. टेक केयर ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, कि हम छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेसेस, तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही अपनी जगह पर ही होंगी. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड फोटोसिंथेसिस डिप्लेशन रिडक्शन हियर एंड मेटाफर इज अ पार्ट ऑफ पैराबल. These are the difficult ones. Walk on the ocean. Now, come to this part. Walk on the ocean. My Antarctic experience was full of such apprehensions. मेरा जो वहाँ का experience रहा है Antarctica का, ये बहुत ही epiphany है ना. Epiphanies means memory of strong emotions or divines revelation to fasten means एक strong emotion का bond मैंने वहाँ जाकर feel किया. But the best occurred just short of Antarctic Circle at 65.55 degree south. The Shokileski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. Means, writer said here, कि वैसे तो मेरा जो वहाँ का experience है वो पूरा जो है epiphanies रहा है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत मैंने ऐसी मेमोरीज वहाँ पर कलेक्ट की हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ. लेकिन आने जो मेन बेस्ट अकर्ड, जो सबसे अच्छी मतलब मेमोरीज हैं वो मेरी उस समय की है जब हम अंटार्कटिका का जो सर्कल है 65.55 डिग्री साउथ के अंदर वहाँ हम सर्कल लगा रहे थे. तो शेकोलेस्की, दिस इज़ द नेम ऑफ द शिप इन विच द राइटर इज मूविंग, had managed to wedge herself into a thick sheet stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. Peninsula and Tadpole are the name of two island. तो वहाँ पर ये जाके ship जो है इनका फंस जाता है, एक तरीके से आगे इनको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है. और वो वहाँ से जब निकल के आगे बढ़ा तो ये जो experience था ये बहुत ही wonderful था, जो मेरे को अब भी याद है. वेज, वेज मीन्स एंटर अ नैरो स्पेस, एक छोटी सी जो जगह है वहाँ पर घुस जाना. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ. कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम अब यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे. बट बिफोर वी डिड, लेकिन जिसके पहले हम ये करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन एंड द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन. जिसके पहले हम ये करते तभी हमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि हम नीचे उतर जाएं. गैंग प्लैंक मीन्स अ बोर्ड फॉर वॉकिंग बिटवीन द बोट्स एंड शोर, मतलब बोट के और जो किनारा था शोर के बीच में जो जगह थी वहाँ पर एक तख्ता रख दिया गया लकड़ी का, और हमें कहा गया कि क्या हमें इस ओशन पर चल के जाना है. सो There we were all 52 of us kitted out in Gore-Tex and glare walks on the stark whiteness that seemed to spread out forever. और तब हम वहाँ पर total complete हम 52 students जो थे बाहर निकले अपने bags के साथ, और glares means strong bright light, एकदम चमकती हुई
स्टार्क वाइटनेस, जो दूर तक फैला हुआ वाइट, स्टार्क में शियर एकदम वाइट कलर का जो कवर एक चारों तरफ फैला हुआ था, जो हमेशा से फैला हुआ है। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैंक, और हमारे कदमों के नीचे बहुत मोटी जो थी एक परत थी बर्फ की। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और उसके भी नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, मतलब उसके भी नीचे 180 मीटर्स के नीचे हमें पता था कि एक सॉल्ट वाटर मींस नीचे ओशन है। इन द पेरिफेरी कार्बिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बेनियन ट्री। और वहाँ पर हमने देखा पेरिफेरी मतलब एक्सटर्नल, जो आउटर बाउंड्री थी वहाँ से हमने देखा सील फिश, दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिश, तो वो वहाँ पर बाहर इस तरीके से स्ट्रेच मतलब धूप के अंदर आराम से लेटे हुए थे। जैसा कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो ऐसी स्ट्रे मीन्स स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो बेनियन ट्री के अंदर नीचे लेट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो फ्रीली आइस फ्लोज मीन शीट ऑफ फ्लोटिंग आइस, जो बहती हुई बर्फ थी उनके ऊपर वो लेटी हुई थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और इट वॉज नथिंग रिविलेशन मीन्स डिस्क्लोजिंग, ये कोई रहस्य गार्डन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज़ जो थी एक दूसरे से कनेक्ट कर रही थी। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन, पेरिफेरी मीन्स आउटर, यस नाउ नाइन टाइम zones, 6 चेक पोस्ट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फेयर लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आर प्लैनेट। और फिर से वापस वही 9 टाइम zones, 6 चेक पोस्ट एंड 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस करते हुए जब हम वापस लौटे, आई वॉज स्टिल वंडरिंग, मैं अभी भी इस बात के सरप्राइज में थी कि कितना सुंदरता से हमारी नेचर ने हमारे प्लैनेट ने इसको बैलेंस किया हुआ है। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, क्या होगा अगर अंटार्कटिका फिर से वैसी ही जगह बन जाता है, वार्म प्लेस बन जाता है जैसा कि ये पहले कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम उसको देखने जाएंगे, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स मैमोथ्स एंड वोली रेनोस, और या फिर वी हैव गॉन या फिर हम चले जा चुके होंगे द वे ऑफ द डायनासोर, जैसे कि डायनासोर चले गए, मैमोस ह्यूज एनिमल्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मैमस एंड वूली रेनोस विद वूल, हुज टू से, कौन कह सकता है ये, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु विल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, लेकिन 2 सप्ताह उन टीनेजर्स के साथ बच्चों के साथ बिताने के बाद जिनके मन में अभी भी एक आदर्श था कि उनको इस दुनिया को बचाना है, All I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. और मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि million years लग जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को होने में, लेकिन एक दिन में क्या डिफरेंस आता है वो देखने को वहाँ पर मुझे मिला। स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड द 3rd चैप्टर फ्रॉम द बुक विस्टास। आई विल अपलोड द रिलेटेड असाइनमेंट एंड द नोट्स, copy them in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.